me, Shah Rukh Khan is a person of the week for falling in love with his tattoo. We should not be talking about the tattoo on this show right now, because if he's really copywriting it and he's patented the D for Dawn tattoo, then I think you and me are in trouble right now. But hey, seriously, agar maine wo Dawn ka tattoo karwa liya, to kya Shah Rukh Khan mujhe har jagah arrest karwate firenge kya? जब अमिताभ ने दुनिया को किया अनाउंस कि आश इज 3 months प्रेग्नेंट, उन्होंने सोचा होगा दैट ही इज एक्स्ट्रा स्मार्ट और दैट पीपल आर एक्स्ट्रा डम। क्यों स्टार्स बोलते हैं इतने बड़े झूठ इन द पब्लिक आई? ब्राइडल ट्रेंड्स, पार्टीज एंड स्कैंडल्स। आई एम सुप्रीत ऑन पेज 3 एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर बिग फैट लायर्स। बॉलीवुड स्टार्स काफी मंझे हुए कलाकार होते हैं। अब झूठ बोलना भी तो एक कला है। And when it comes to lying, then perhaps film stars master this art. Kabhi publicity to kabhi apni image ke liye ya phir jab karna ho kisi film ya brand ko promote. Jhoot bol hi dete hain in sitaron ke hoot. Amitabh Bachchan ne happily announced ki thi Bahu Aishwarya ki pregnancy ki news. और अब खबर है दैट एश इज 5 months प्रेग्नेंट एंड द डिलीवरी इज ड्यू इन अक्टूबर। कुछ तो मिसिंग था जब बिग बी ने दी थी ये खबर। Well, देखा जाए तो जून में मिस्टर बच्चन ने ये न्यूज मीडिया को दी और ड्यू डेट अक्टूबर होने के नाते ये कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं कि जून में ही एश थी 5 months प्रेग्नेंट, तभी तो उनकी डिलीवरी है ड्यू इन अक्टूबर। अब पता नहीं इस झूठ के पीछे बिग बी का इरादा क्या था। इरादा जो भी हो, लेकिन बिग बी ने सफेद झूठ सफाई से बोल ही दिया। वैसे कई बार ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए स्टार्स लेते हैं झूठ का सहारा। रिसेंटली रूमर्स आए कि बिपाशा और शाहिद कपूर आर सीइंग ईच अदर, मगर इस झूठ का खुला राज व्हेन द स्टोरी वाज इन्वेस्टिगेटेड फर्दर। इस एलिजेड अफेयर की स्टोरी के पीछे छुपा था बिप्स और शाहिद की एक ब्रांड की एड का प्रमोशन। मलाइका और अरबाज खान ने तो अपने डिवोर्स की ही झूठी खबर दे डाली थी। इस न्यूज से सभी हो गए थे शॉक, लेकिन फिर पता चला कि ये न्यूज थी फेक और मलाइका और अरबाज ने खुद जानबूझकर मीडिया को झूठे इंटरव्यूज देकर फैलाए थे खुद के ही डिवोर्स के रूमर्स चंद लाखों के लिए। फ्रीदा पिंटो और मान्यता दत्त वर फाउंड लाइंग अबाउट देयर मैरिज। स्लमडॉग मिलियनेयर फ्रीदा ने अपनी शादी की बात से कर दिया साफ इनकार, मगर उनके हस्बैंड रोहन अंताव ने नहीं मानी हार और दे दिए प्रूफ दैट फ्रीडा वाज मैरिड टू हिम। महीनों अपनी शादी और पति को डिनाई करने के बाद फ्रीडा ने फिर पब्लिकली एक्नॉलेज किया कि शी वाज इंडीड मैरिड टू द गाय और अब उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। वहीं मान्यता ने संजय दत्त से झटपट और सीक्रेट शादी के बाद अपनी पहली शादी की बात को झुटलाया। तभी उनके हस्बैंड मिराज ने मीडिया को प्रूफ दिखाया। आमिर खान अक्सर अपने लिंक अप्स की न्यूज को झुटलाते। ऐसे ही जब मीडिया ने कुछ साल पहले किया था पूजा भट्ट से लिंक, तो आमिर वाज वेरी अपसेट और किया था ऐसे बेहुदा रूमर्स को वेहेमेंटली डिनाई बिकॉज़ ही वाज अ मैरिड मैन विद 2 kids। बट हिज लाई गॉट कॉट जब पूजा भट्ट ने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि आमिर इज द बेस्ट मैन शी हैड इन बेड। श्रीदेवी भी बोनी कपूर के साथ अपने लिंक अप पर डालती रही झूठ का पर्दा, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी ने खोल दिए सारे राज और श्रीदेवी को फाइनली छोड़ना पड़ा झूठ का साथ और बिना मंगनी के ही ओवरनाइट कर ली इस मैरिड मैन से शादी बिकॉज शी वाज ऑलरेडी प्रेग्नेंट विद हर फर्स्ट डॉटर जानवी। वैसे कुछ सेलेब्स तो इंटरनेशनल लेवल की झूठ बोलने से भी नहीं कतराते, खुद अपने ही बारे में वो है रूमर्स फैलाते। संदीप सपारकर ने मीडिया से प्राइवेटली कहा कि उन्हें प्रिंस विलियम और केट मिडलटन के रिसेप्शन में डांस परफॉर्मेंस करने का मिला है इनविटेशन, मगर जल्द ही पता चला कि ये खबर थी संदीप की ही क्रिएशन। एक्चुअली ही नेवर रिसीव्ड एनी सच इनविटेशन। पप्पी लहरी ने बोस्ट किया कि वो है पहले इंडियन म्यूजिशियन जो बनेंगे ग्रैमी अवार्ड्स के जूरी मेंबर, मगर पप्पी दा ने यहाँ छुपाया था एक सच। He forgot to mention कि उन्हें जूरी मेंबर बनने के लिए ऑफिशियल इनविटेशन नहीं दी गई और उन्हें सिर्फ वर्ल्ड म्यूजिक कैटेगरी में वोट देने का मिला है मौका, ना कि म्यूजिक के बिग स्टार्स को जज करने का। कहां बबीता पीट रहे थे ग्रैमी का ढोल, मगर उनकी भी खुल गई पोल। वेल वर्ल्ड स्टार्स के झूठ की लिस्ट तो है नेवर एंडिंग। ये इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि उनके फैंस भी उनकी कही बात पर यकीन करते हैं। बट सूनर और लेटर इन स्टार्स की बंद हो जाती है बोलती, क्योंकि इनके झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती।
क्यों बोलते हैं स्टार्स सफेद झूठ? क्या वो सोचते हैं कि उनके फैंस हैं बेवकूफ? Let's find out the truth behind their lies in Party Shaati with Page 3 pioneer and B Town expert Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hi, Supreet. Simi, अभी थोड़े time पहले अमिताभ बच्चन ने ये कहा था that Aishwarya is 3 months pregnant, but we hear that she's 5 months pregnant. What's going on? The math doesn't feel right here. Hey, Supreet, you don't know star babies are born extra fast. So, you know, it just takes them 5 months. It doesn't take them 9 months. That's for the lesser mortals. No, but seriously, jab maine ye announcement padha tha, when Amitabh said that, oh, you know, Aishwarya is 3 months pregnant, I just knew it. And I'm like, I'm counting or main ginungi ki when she's going to really have her baby. And definitely it's going to be probably like a November baby or whatever. Coming back to Amitabh Bachchan, the family has shown that they are very superstitious when it comes to these kind of matters. We all know ki unhone Aishwarya ki shaadi pehle ek ped se karwai thi and fir Abhishek se karwai thi. So this is, we are talking of a family that is otherwise very forward thinking, but they do believe in all these superstitions. So there is no way Amitabh Bachchan or the family was about to give us the right date. And I was almost like 99% sure, as good as like the gynecologist who's watching Aishwarya, that the baby's going to come much faster and it's at least 4.5-5 months and it's not 3 months. But stars lying away in Bollywood is not a new thing. Of course not, because the news is no longer that Aishwarya is pregnant or that she's 3 months pregnant. Supreet, it doesn't matter, because aaj hum ye baat nahi kar rahe hain ki Aishwarya Rai is how many months pregnant. Today they're already talking about the baby is being delivered in November and somebody saying October. So wo to purani baat bhul bhi gaye. 3 months, big deal. Kab ka tha? Hame to wo bhi yaad nahi hai. So it doesn't make a difference. Ab aage news aayegi ki wo dono bacche ka naam soch rahe hain, naam dhoond rahe hain, and uske naam ka matlab kya hoga. Fir Mr. Bachchan is going to think of a very different and unique name, and it's just going to go on, and nobody's going to ever remember that he had said this, that, oh, she's 3 months pregnant, and actually she may have been 4 or 5 months pregnant that time. Well, superstition could be one reasoning. What about things like marriage and divorce, like Malaika and Arbaaz? Bahut recently ye bhi hua tha. I think what Malaika and Arbaaz did to their marriage just for a brand endorsement, and unhone knowingly newspapers ko jab interviews di, I think it's downright shameful for Arbaaz and Malaika to come and give interviews to the press, to the journalists that they've known for so many years, the newspapers that they have been reading and growing up on for so long. And it doesn't tell me a lot about how much respect they have for marriage as an institution. Simi, you said audience obviously itne bevkoof nahi hai, but yahan pe hamare stars unko aisa zoom kar rahe hain, because ek din aap bolte ho ki hamara kisi ke saath affair nahi hai aur dusre din aapki shaadi bhi ho jati hai. पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट. अगर आज आप मोस्ट ऑफ आर व्यूअर्स, अगर हम उनसे पूछते हैं कि आपको पता है कि श्रीदेवी और बोनी की शादी अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस हुई थी, तो प्रॉब्ली दे डोंट नो. ये तो अभी हमने अपने शो पे दिखा दिया है, सो प्रॉब्ली अ फ्यू ऑफ देम नो राइट नाउ. बट अदरवाइज श्रीदेवी वॉज कॉन्स्टेंटली कॉलिंग बोनी कपूर हर प्रोड्यूसर, एंड ही वॉज अ मैरिड मैन विद kids and everything. So Sridevi to kept denying it and kept lying with a straight face that there's no relationship, and then suddenly when she realized that she's pregnant, overnight they got married. So likewise, I don't know what to think. She's to deny the rumors about her marriage with Mithun Chakravarti also, and pata nahi kitne denials kiye Sridevi, do you remember? Well, maybe we've forgotten, see? So they get away. वो झूठ बोलते हैं, फिर कुछ और करते हैं, नई खबर आती है तो लोग पुराना झूठ भूल जाते हैं. And stars do feel कि they can get away and nobody's gonna look back, and mostly people don't. और आजकल तो internet है, तो आप Google पे search करो तो कहीं झूठ पकड़ा जाएगा. जब श्रीदेवी ने झूठ बोला था या जब पहले जमाने में झूठ बोलते थे तो कहाँ पकड़ा जाता था. SRK की desperation ने बना दिया है उन्हें person of the week. एक डी का टैटू ही तो है, बट लगता है कि शाहरुख ने ठान ली है कि अगले 2 महीने वो अपनी फिल्म डॉन 2 को प्रमोट करेंगे थ्रू हिज डी फॉर डॉन टैटू. लो अब सुनो, एसआरके का सोचना है कि वो अपने डी के टैटू को कॉपीराइट करवा ले, ताकि और कोई ऐसा टैटू ना बनवा सके. अब इस पर हंसें या फिर रोएं? Such poor publicity gimmicks from SRK, who has done his masters in mass communication. SRK is the person of the week for completely going overboard with his tattoo. So Simi, Shah Rukh Khan is a person of the week for falling in love with his tattoo. And you know what? We should not be talking about the tattoo on the show right now, because if he's really copywriting it and he's patented the D for Dawn tattoo, then I think you and me are in trouble right now. So maybe I'm scared. मुझे बहुत डर लग रहा है. Please do not discuss his tattoo. But hey, seriously, अगर मैंने वो डॉन का टैटू करवा लिया तो क्या शाहरुख खान मुझे हर जगह अरेस्ट करवाते फिरेंगे क्या?
यू नो हाउ मेनी मिलियंस ऑफ पीपल देयर आर अराउंड हियर जो डी का टैटू लेके घूमेंगे, तो शाहरुख खान क्या पुलिस लगाएंगे उनके पीछे, कैसे अरेस्ट करेंगे? तो ठीक है, हम वो डी का टैटू बना लेते हैं और जब हम एयरपोर्ट्स पे जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, हम लॉन्ग स्लीव्स पहन के घूमेंगे, तो शाहरुख खान हमें अरेस्ट नहीं करवा सकेंगे। एक्चुअली दैट भी पूरी दुनिया, क्योंकि उनके इतने इंटरनेशनल फॉलोअर्स हैं, सो देयरफॉर उनके डी के टैटू को ढूंढना मुश्किल ही नहीं, ना मुमकिन है। वेरी वेल सेड। स्टार्स मेक इट टू हॉट शॉट ईदर बिकॉज़ दे आर सुपर हॉट और दे आर सिंपली नॉट। अगर हम मेंशन करें सोनम का नाम तो यू विल थिंक डिजाइनर वेयर, बट ये क्या हो गया सोनम को? दैट ग्रीन साड़ी विद ऑल दोज बीड्स हियर एंड देयर मे बी डिफरेंट, बट द आंटी ब्लाउज इज सो 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 नॉट सोनम, इट इज सुपर बहनजी। सेमी, सोनम वाज ऑलवेज नोन फॉर हर स्टाइल एंड व्हाट्स हैपेंड नाउ? Supreet, you're using the past tense. You're saying Sonam was always known for her style. No, I disagree, because she was looking really good at the Couture Week in Delhi. But ye sare pearls yahan par aur itni sari malai and everything, wo bhi, that is also still innovative. But for her to be wearing that sari with the long sleeves, you know, humne pehle bhi is show pe bola hai that Sonam has a fabulous body. Sonam looks really good. She's one of the few girls who can carry off Western clothes with so much elan, you know, so much of dignity. Previously, humne unko dikhaya tha, she was wearing a Masaba Gupta sari with a bindi and everything and some orange border. Then she messed up again at the Cannes Film Festival where she was again wearing some lawyer dikh rahi thi, bilkul wo collar wala blouse pehna hua, and again she was wearing a weird sari. And now here, you know what, we have three instances where we can show how bad she's looking in these saris and how beautiful she looks otherwise. Yes, big no no for Sonam. Coming up, choti choti baat ko stars banate hain badi baat, parties and wo parties after this short break. Time now for the glam slam, and we know ki shaadi ka season aa raha hai. So what should the brides be sporting for their big day? We say do it the Tarun Tahiliani way. तरुण ने किए ब्राइडल ट्रेंड शोकेस इन मुंबई, ब्राइट कलर्स एंड न्यू स्टाइल्स। तरुण ने बता दिया है कि इस साल ब्राइड्स आर गोइंग टू बी लुकिंग सुपर ब्राइट एंड सेक्सी। चेक द ब्राइडल ट्रेंड्स आउट। Now for party time, my favorite time. Yes, mine too. बहुत से फैशन वीक पार्टीज चल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, so which was your favorite? I think Tarun Tahiliani just beat everybody to it, and he kind of gave us the fashion forecast much before the week started here in Mumbai. And the less said, the better. I think probably the viewers, जो brides to be बैठी हैं, ये देख रही हैं, they're dying to see the fashion and what they should be ordering and what they should be wearing. So I will just say, all in all, it was beautiful and a treat to the eye. बादल, बिजली या तूफान, कुछ भी नहीं रोक पाया मुंबई के म्यूजिक लवर्स को ऑन अ रेनी नाइट व्हेन दे न्यू दैट तलत अजीज वाज डूइंग अ जुगलबंदी विद रशीद खान। वहीं पंकज उदास ने भी किया लोगों को स्पेल बाउंड विद हिज वेलवेट वॉइस। ट्रेंडली ड्रेस्ड पीपल, ग्रेट म्यूजिक एंड ब्रिलियंट फूड, दिस इज व्हाट वन एक्सपेक्टेड एट खजाना व्हिच वाज सेलिब्रेटिंग 10 इयर्स ऑफ सपोर्टिंग द कॉज ऑफ कैंसर। अब हम यहाँ करते हैं अपनी बोलती बंद, ताकि आप गजल सुने अपनी मनपसंद। मेरे जुनून की ही ना बुराई, लोगों ने कुछ तुमने बदनाम किया, कुछ आग लगाई लोगों ने। What about the musical evening at Khazana? This is one event I look forward to every year, and it comes around the same time. They've been doing this for 10 years, you know, Pankaj Udas, Tarat Aziz, a whole bunch of ghazal singers together, a lot of talented musicians, and they even launch new talent. And inko 10 saal ho gaye, and the beauty of this whole festival is that the money goes for the cause of cancer patients. It's wonderful, and the music there is soul stirring. You have to check out Talat Aziz in a Jugalbandi with Rashid Khan. It's giving me goose pimples. I don't want to say anything. I think the viewers just have to check that out, and of course Pankaj Udas too the next day. This is like one of the best weekends in my year, every year for 10 years. Let's check it out then. Bar
लाइमलाइट में लाने के लिए स्टार्स की होती है अपनी ही स्ट्रेटजी। कुछ फंडे तो काम कर जाते हैं पर कुछ पब्लिसिटी स्टंट साबित होते हैं जस्ट अ ट्रेजेडी। बिफोर द रिलीज ऑफ द फिल्म कोई अपनी लिंकअप स्टोरीज करता है लीक, तो कोई अपने ब्रेकअप की सैड न्यूज को भी बना देता है हिट। वहीं कुछ स्टार्स ऐसे हैं हु ट्राई टू हाइड इवन देयर आउटफिट्स। प्रीति जिंटा अपनी मेडन प्रोडक्शन इश्क इन पेरिस को लेकर हैं बैक इन द न्यूज। वैसे खबर फिल्म से जुड़ी किसी बहुत बड़ी बात को लेकर नहीं है, बल्कि प्रीति ने इस फिल्म में पहने जाने वाले आउटफिट से लोगों को अट्रैक्ट करने की सोची है। खबर है कि प्रीति एक ब्लैक ड्रेस खुद डिजाइन कर रही है जो हॉलीवुड एक्टर ऑड्री हेपबर्न की क्लासिक लुक से सिमिलर होगा। जाहिर सी बात है, ड्रेस के बारे में प्रीति लोगों को क्यूरियस करने की कोशिश कर रही हैं। बट क्या क्रिएटिंग द बज अबाउट द आउटफिट कैन रियली मेक द फिल्म सक्सेसफुल? SRK रावण के कॉस्ट्यूम के बारे में लगातार कोई ना कोई न्यूज देते ही रहे हैं। रिसेंटली न्यूज आई कि शाहरुख के कॉस्ट्यूम को किया जा रहा है डिजिटलाइज, जिससे उनके आउटफिट से निकलेंगी रेज। कभी पता चला कि कैसे इस रबर कॉस्ट्यूम ने SRK को किया परेशान इन डिफरेंट वेज। इस ड्रेस की वजह से शाहरुख लू नहीं जा पाते थे और कैसे इसे पहनकर किंग खान के पसीने छूट जाते थे। आउटफिट्स को पब्लिसिटी देने की अगर बात करें तो फिल्म आयशा में सोनम कपूर के एक्सोर्बिटेंट ड्रेसेस के चर्चे भी काफी हुए थे। मोर देन एनीथिंग सोनम्स डिजाइनर वेयर इन द फिल्म वाज बीइंग टॉक्ड अबाउट, पर शायद ही उनकी फिल्म को इससे कोई फायदा हुआ क्योंकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गई फिट और काम नहीं आई सोनम की स्टाइलिश और एक्सपेंसिव आउटफिट। सिमिलरली करीना कपूर के आउटफिट्स पर भी किए गए थे काफी खर्चे ताकि उनकी फिल्म कमबख्त इश्क के बारे में हर कोई करे चर्चे। भले ही न्यूज बना रही थी बेबो की एक से एक स्टाइलिश ड्रेस, पर इससे ऑडियंस नहीं हो पाई कुछ खास इम्प्रेस। What is with the stars and hyping up their costumes so much? Come on, Supreet, stars कपड़े पहन रहे हैं, अगर अपने कपड़ों को हाइप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? They're wearing clothes for Pete's sake. They have to make a big deal out of it. But we used to all believe कि script is the king. What happened to that? Now costume is the king. आजकल बेचारे scripts या तो Hollywood से खरीद लेते हैं या पुरानी movies remake करते हैं, तो now what do they talk about? अगर कपड़ों के बारे नहीं hype करेंगे तो फिर क्या बात करेंगे? Because most of the movies are remakes of old movies. So if they don't talk about clothes, they cannot discuss the stories. We already know the story. We already know the script. So what's the big deal? This is probably one way to garner a lot of attention. I don't think this is a very nice thing to say, but Supreet, abhi tak jab bhi koi movie mein inhone kapde hype kiye na, wo movie flop ho gayi hai. So maybe there are fans and there are movie buffs who think like you, where they say script is king, content is king, and you know, hame movies chahiye, hame substance chahiye, hame kapde nahi chahiye, and pun intended in the last sentence. Unless it's King Khan ka costume is the king, Rawan. Yes, bichare Shahrukh Khan. Come on, he deserves all the publicity he can get. Wo ghanto apna susur rok ke bichare baithe rehte the na, probably baith bhi nahi sakte the. Probably Shahrukh Khan khade rehte the because the costume is so tight and he can't pee and he can't poo and he couldn't eat and he had to lose weight. Don't you think he deserves all the publicity? He went through so much trouble. Well, we spoke about costume being the king, but I so know who's the queen of this show. Thanking her. Oh, my pleasure always. I love being here with you. Great. We'll see you next week then. Sure. That's it for now, but keep watching Zoom because it's India's number one Bollywood channel. And all you fashion buffs, watch out for Style Strip, jo Zoom par aa raha hai sabki band bajane. Tune in on 9th August at 6 p.m.